हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आप लोग देख रहे हैं प्रोटेक यूट्यूब चैनल और आज हम लोग बात करने वाले हैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अंडररेटेड गेम्स, वो गेम जो कि डिजर्व तो ज्यादा करते हैं बट ऑडियंस ने उनको उतना सपोर्ट नहीं किया, या फिर ऐसे गेम्स जिनको मैंने अपने चैनल पर एक से दो बार या फिर कवर नहीं किया है। ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छी ग्राफिक्स वाले गेम आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। आप लोगों को 10 से भी ज्यादा ऐसे गेम्स पता चल जाएंगे। तो वीडियो को बनाने का एफर्ट अगर अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल पे पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मेरे भाइयों, वीडियो करते हैं स्टार्ट एंड बात करते हैं हमारे फर्स्ट गेम की जो निकल करके आता है, BVG Conquering the Giants। अब जैसे इसी गेम को ले लीजिए, ये गेम काफी अच्छा रिस्पांस डिजर्व करता है। क्यों भला? सबसे पहले तो ग्राफिक्स की अगर हम लोग बात करें, जो गेम के विजुअल्स हैं वो बड़े कमाल के हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आप लोगों को एक स्टोरी दी जाती है। इस बच्चे को अपने परिवार को बचाना है, अपने प्यारे पालतू जानवरों को बचाना है इन लोगों से, जंगली जानवरों जैसे वुल्व्स, लायन, बियर, सोल्जर्स। सिर्फ इतना ही अगर आप लोगों के लिए काफी नहीं है तो ग्रेटेस्ट जायंट से भी लड़ना होगा, यानी कि बॉस बैटल्स भी मिल जाती हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि गेम ऑफलाइन है, बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप प्ले कर सकते हैं। पर साइज रहने वाला है 815 MB। और नेक्स्ट गेम के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जहाँ पर हम लोग गेमर्स लैंड पे माइनक्राफ्ट या दूसरे गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं, तो उसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में एक चैनल पे मैं एनीमे और मूवीज का रिव्यू करता हूँ। ये हमारी फैमिली है जहाँ पर अलग अलग जगहों पे मैं अलग अलग चीजें आपको बताता हूँ। सब आप चीजें चेकआउट कर सकते हैं, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेकंड गेम की जो निकल करके आता है, प्रोजेक्ट वॉर मोबाइल। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनको व्यूअर्स अबैंडन कर देते हैं, यानी कि जनता अबैंडन कर देती है। उन्हीं में से एक ये गेम निकल करके आता है। अगर आप लोगों को शूटिंग गेम्स खेलना पसंद है, चाहे ऑनलाइन या फिर कैंपेन, दोनों ही चीजें इस गेम में मिल जाती हैं। ज़ॉम्बी से फाइटिंग, ऑनलाइन बैटल्स और खतरनाक मिशंस आपको दिए जाते हैं। अपनी टीम मेंबर्स को बचाना, वो सब आप लोगों को करने के लिए मिलेंगे। ऊपर से गेम की जो ग्राफिक्स हैं, यानी कि जो टेक्सचर्स हैं, वो भी कमाल के हैं। बात करूँ साइज की तो वो है 1.3 GB एंड गेम ऑनलाइन है। और ये तो जस्ट शुरुआत है मेरे भाइयों। इस वीडियो में आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग गेम्स पता चलने वाले हैं। बात करें थर्ड गेम की तो वो निकल करके आता है IRE ब्लैक मेमोरी। आप लोगों का स्वागत है डार्क फैंटेसी की दुनिया में, जहां पर जायंट्स, खतरनाक पत्थरों से बने हुए मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा डेंजरस क्रिएचर्स मिल जाते हैं। लेकिन आप है एक योद्धा जो डट करके उनका सामना करेंगे। अपनी भारी भरकम खतरनाक वेपन्स का यूज करते हुए, अपने पसंदीदा नए नए मूव्स और कॉम्बोज बनाते हुए, यानी कि एक ऐसा गेम जिसमें स्टोरी, एक तगड़ा कैंपेन और बड़े बड़े जायंट बॉसेस से फाइट मिले, वो सब आप लोगों को इस गेम में मिल जाता है। बात करें साइज की तो वो है 840 MB और ये गेम भी ऑनलाइन है। और चलिए मेरे भाइयों, हम आप पहुंचे हैं वीडियो के फोर्थ गेम की तरफ। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बोनस है कि फोर्थ गेम पर मैंने तीन गेम को रख दिया, यानी कि एक ही नंबर पर आपको तीन गेम बताने वाला हूँ एक के बाद एक। जैसे पहला गेम निकल करके आता है हाई ग्राफिक ड्राइविंग सिमुलेटर। अब जब गेम के नाम में ही हाई ग्राफिक आ जाए तो आप लोग समझ ही गए होंगे इस गेम की जो ग्राफिक्स हैं, भले ही वो एनिमेटेड हो लेकिन कमाल की है। ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट मिलता है जहां पर अपनी गाड़ियों को ड्राइव करना होगा, फरारी जैसी सुपर कार्स में मिल जाती है। गेम का साइज है 300 MB और गेम ऑनलाइन है। जो दूसरा गेम निकल करके आएगा इसी कैटेगरी में, वो है हजवाला ड्रिफ्ट। अगर आप लोगों को खतरनाक गाड़ियों को ड्रिफ्ट कराने का शौक है, अच्छे ग्राफिक्स में रेगिस्तान के बीचों बीच खतरनाक रोड ट्रैक्स के ऊपर उबड़ खाबड़ रास्तों पे ड्रिफ्ट परफॉर्म करें, अगर ये सब करना चाहते हो तो ये गेम ट्राई करना। गेम का साइज है 700 MB और ये ऑनलाइन गेम है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा बात करते हैं आज के स्पॉन्सर्स कैक्टस वी हीरो गेम के बारे में। ये एक इंडी गेम है, यानी कि इसको इंडिविजुअल डेवलपर ने बनाया है। अगर आप लोगों को चैलेंजेस और मुश्किलें पसंद है तब तो ये गेम आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। यहाँ पर स्पेस सूट पहन करके आप लोग यूनिवर्स में जाने वाले हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। वहां पर आप लोग स्पेस का जो कचरा है, जो ट्रैश है, उससे बचेंगे या फिर आपके सामने आने वाली हर एक ऑब्स्टिकल को ओवरकम करते हुए चले जाएंगे। अगर आप लोग इंडिविजुअल डेवलपर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तब डेफिनेटली इस गेम को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। और काफी सारी हो गई कार रेसिंग की बात, चलिए बात करें थर्ड गेम की जो निकल करके आता है, स्टिकमैन स्केट बैटल। स्टिकमैन सुनकर के डर मत जाना, जब आप लोग इस गेम को प्ले करेंगे ना तब मजा दुगना हो जाएगा। यहाँ पर खतरनाक ट्रैक्स है, उनके ऊपर से आप लोग स्केटबोर्ड चलाएंगे, ऊपर से मल्टीप्लेयर PVP मिल जाता है, दूसरे अपोनेंट्स के साथ में आपका कंपटीशन होगा। गेम का साइज है 90 MB और ये गेम ऑनलाइन है। अब जैसे फोर्थ गेम में मैंने आप लोगों को एक ही नंबर के अंदर तीन गेम बताए थे,
फिफ्थ में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर दो गेम बताने वाला हूँ क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे यहाँ पर जो पहला गेम है वो है स्ट्रीमर लाइफ सिमुलेटर। अब जैसा कि गेम के नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा, एक स्ट्रीमर, एक यूट्यूबर या फिर कोई भी एक स्ट्रीमर, उसकी लाइफ कैसी होती है उसे सिमुलेशन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ये गेम ट्राई करना। गाड़ियों से आप लोग ट्रैवल करेंगे दूसरे शहरों में, कंप्यूटर्स वगैरह खरीद करके लाएंगे, अपने लिए सारे इक्विपमेंट्स लाएंगे और स्ट्रीमिंग करेंगे। गेम का साइज होने वाला है 324 MB और ये ऑफलाइन गेम है। और इससे भी अच्छा इसका अल्टरनेटिव निकल करके आता है इंटरनेट कैफे सिमुलेटर। इस गेम के बारे में तो आप लोगों ने पहले से ही काफी सुन के रखा होगा। यहाँ पर आप लोग एक इंटरनेट कैफे चलाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आपके इंटरनेट कैफे में आ जाए। इस गेम का साइज होने वाला है 250 MB और ये एक ऑफलाइन गेम है। और चलिए मेरे भाइयों, फटाफट से स्पीड से हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करें सिक्स्थ गेम की, तो वो निकल करके आएगा फोबोस 2089। इस गेम के अंदर आप लोगों को 2089 का समय दिखाया गया है, जहां पर मिलिट्री एस्पेक्ट को गेम के अंदर मिक्स किया गया है कि आप एक सोल्जर हैं, आपका काम है अपने बचे हुए साथियों को बचाना, टास्क फोर्स के द्वारा दिए गए मिशंस को कंप्लीट करना। अगर आप एक शूटिंग गेम खेलना चाह रहे थे और आपने इस गेम को पहले नहीं खेला है तो आप लोग एक बार ट्राई दे सकते हैं, क्योंकि ये आरपीजी स्टाइल का टैक्टिकल शूटर है। गेम का साइज है 280 MB और ये एक ऑनलाइन गेम है। और इसी के साथ में अगर मैं आप लोग को बताऊं हमारा सेवंथ गेम, तो वो है हु इज दिस मैन। अब यार पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, हु इज दिस मैन जैसा गेम का नाम है कि आखिर कौन है ये आदमी, ऐसे ही ये गेम काफी अंडररेटेड है, इसको कोई नहीं जानता। अगर बात करूं गेम प्ले की, तो यहाँ पर आपकी कॉलोनी के अंदर एक नया इंसान बसने और रहने आया है। अब आपको क्या करना है, उसके घर में चोरी छुपे घुसना है और अंदर जाकर के ये पता करना है कि कौन कौन से रेयर आइटम्स ये आप लोगों से छुपा रहा है, और इन्हें ढूंढ करके लाइए और पूरी दुनिया को ये बताइए कि देखो मुझे इसके घर से क्या क्या मिला। और बात करो साइज की, तो वो है 100 MB और गेम ऑफलाइन है। और चलिए इसी के साथ में बात करते हैं हमारे 8th गेम की, जो निकल करके आता है फैन ऑफ गन्स। अब इससे ज्यादा मैं गेम के बारे में क्या ही बताऊं आपको, अगर आप फैन है गन्स के तो ये गेम ट्राई करना। भले ही ग्राफिक्स रियलिस्टिक ना मिले, बट माइनक्राफ्ट की, रोब्लॉक्स जैसी एनिमेटेड स्टाइल की ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगी, जहां पर ढेरों गन्स हैं, खतरनाक ज़ॉम्बीज हैं और उनको मार करके आप लोगों को उड़ा देना है। गेम का साइज है 200 MB और ये गेम ऑनलाइन है। और देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके हैं वीडियो के सेकंड लास्ट गेम की तरफ, यानी कि हमारा 9th गेम, जो निकल करके आता है डेड माइंड। और ये गेम मैंने उन लोगों के लिए रखा है जिनको पिछला गेम पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें रियलिस्टिक ग्राफिक्स नहीं थी लेकिन ज़ॉम्बीज से लड़ना था। अब यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल रियलिस्टिक ग्राफिक्स मिलेंगी और ऊपर से ज़ॉम्बीज के साथ में फाइटिंग भी मिल जाएगी। तो किस चीज का इंतजार है, हो जाइए तैयार, निकालिए अपनी वेपन्स और सामने वाले ज़ॉम्बीज को भून डालिए। इस गेम के साइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है 120 MB और अच्छी बात पता है क्या है, ये गेम ऑफलाइन है। और 10th गेम के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो आप लोग यहां तक देख रहे हैं, आप हमारे चैनल के प्राइम मेंबर्स, और ऐसे प्राइम मेंबर ये आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। 10th गेम की अगर बात करें तो वो निकल करके आता है अंडरग्राउंड 2077। अब होना क्या था, ज़ॉम्बीज ने पूरी की पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है और आप और आपके कुछ गिने चुने 2-4 साथी ही पूरी दुनिया में बचे हैं। अब आपका मकसद क्या है कि न्यूयॉर्क इन सबवे में इस तरीके से एरो गैरो की तरह घूमते रहें या पूरी कोशिश करें आखिरी सांस तक जिंदा रहने की, ये टोटली आप लोगों पर डिपेंड करेगा। अपनी वेपन्स को और सारे बचे कुछ रिसोर्सेस को कलेक्ट करके पूरी कोशिश करनी है कि सभी ज़ॉम्बीज को मार गिराएं और सर्वाइव करना है। इसके में आप लोगों को डर भी लगता है, खतरनाक एक्शन मिल जाएगा और ज़ॉम्बीज से तगड़ा ब्रॉल मिलेगा। गेम का साइज होने वाला है 180 MB और ये एक ऑफलाइन गेम है। और ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश करी है अलग अलग टाइप के अंडररेटेड गेम्स में एक ही वीडियो के अंदर रख दूं और ज्यादा से ज्यादा गेम्स हर बार की तरह आप लोगों को बताऊं। अगर ऐसी वीडियोस फ्यूचर में आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैं तो आप लोगों से एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए प्रोटेक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बाय बाय।